नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कहानी अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। इस कहानी में आपने अब तक पढ़ा है कि लाला झाऊलाल की पत्नी उनसे 250 रुपए की मांग करती है, लेकिन उनके पास नहीं है, तो वो अपने मित्र की मदद लेते हैं। मित्र कहते हैं कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मित्र का नाम क्या है? बिलवासी मिश्र। पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा और कल शाम तक आपको पैसे देने आपके घर पर आ जाऊंगा। बेचारे परेशान अपनी छत पर घूम रहे हैं, पत्नी उनके लिए पानी लेकर आती है और वह पानी उस लोटे से उनको पिलाती है। चिंता में खोए हुए अचानक उनके हाथ से लोटा नीचे छूट जाता है और गली में चलते हुए एक अंग्रेज के ऊपर वह गिर पड़ता है। जब लाला झाऊलाल नीचे आते हैं छत से, तब तक वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। तब लोगों से अंग्रेज को पता चलता है कि यही वो आदमी है जो इस लोटे का मालिक है। तब अंग्रेज उनको खूब गालियाँ देते हैं। तभी वहाँ पर पंडित बिलवासी मिश्र आ जाते हैं और वो स्थिति को समझ जाते हैं। स्थिति को समझने के बाद सबसे पहले वो जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनको वहाँ से बाहर भेज देते हैं। तब वहाँ पर अंग्रेज रह जाते हैं, पंडित बिलवासी मिश्र रह जाते हैं और लाला झाऊलाल, तीन ही आदमी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। पंडित बिलवासी मिश्र अंग्रेज का सम्मान करते हुए उनके लिए कुर्सी रख देते हैं, उनको बैठने की बात कहते हैं। तब अंग्रेज उनका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि जो ये आदमी सामने खड़ा है, जो इस लोटे का मालिक है, जिसने मुझे परेशान किया है, मुझे भिगोया है, मेरे पैर पर चोट लगी है, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? तो पंडित बिलवासी मिश्र जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और साफ मना कर देते हैं कि मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और ऐसे आदमी को मैं जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते निरीह लोगों पर लोटों से वार करे। तब वो कहते हैं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। तब अंग्रेज कहते हैं, नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, अर्थात यह खतरनाक मुजरिम है। इस प्रकार दोनों आपस में लाला झाऊलाल के बारे में बातचीत करते हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र एक दूसरे को अच्छी प्रकार से जानते हैं, एक दूसरे से वो परिचित हैं, लेकिन स्थिति को समझते हुए लाला जी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कौन? पंडित बिलवासी मिश्र जी, और वो अंग्रेज के फेवर में दिखाई पड़ रहे हैं। लेखक आगे लिखते हैं, परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। अर्थात आंखों में भगवान ने देखने की शक्ति दी है, अगर उनको खाने की शक्ति भी होती आंखों को, तो अब तक गुस्से के मारे लाला झाऊलाल बिलवासी जी को खा चुके होते। अर्थात वो गुस्से से भरे हुए थे। इसका अर्थ यहाँ पर यह है, वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अर्थात वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि बिलवासी जी मुझे जानते हैं, मेरे परम मित्र हैं, फिर भी अंग्रेज के सामने वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस आदमी को मैं जानता नहीं हूं और यह तो पागल आदमी है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अर्थात इस आदमी ने चोटे लोटे के साथ मुझे चोट पहुंचाई है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इसको क्या पनिशमेंट, क्या दंड मिलना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। ये सलाह कौन देते हैं? पंडित बिलवासी मिश्र अंग्रेज को सलाह देते हैं कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है,
आप सीधे पुलिस स्टेशन जाइए, रिपोर्ट करवा दीजिए और इस आदमी को हिरासत में करवा दीजिए, पुलिस इसको पकड़कर ले जाएगी। तो अंग्रेज पूछते हैं, पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। कौन कहते हैं? बिलवासी मिश्र जी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, अभी आपके साथ पुलिस स्टेशन में चलता हूँ। तो अंग्रेज कहते हैं चलिए, बिलवासी जी कहते हैं अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। ये बात कौन कहते हैं? पंडित बिलवासी मिश्र जी लाला झाऊलाल से कहते हैं और ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे वो उनको जानते ही नहीं हैं, आज उनसे पहली बार वो मिल रहे हैं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, साहब कौन है? अंग्रेज है जो। इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ और एक सुशिक्षित आदमी समझता था। पंडित बिलवासी मिश्र के बोल चाल में परिवर्तन साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि लाला जी आप इस लोटे को 50 रुपये अगर बेचना चाहते हैं तो मैं 50 रुपये आपको इसके दाम दे सकता हूँ। अंग्रेज कहते हैं, यह तो एक रद्दी सा लोटा है, तो पुराना सा लोटा है, बेकार सा लोटा है, आप इसकी इतनी महंगी कीमत क्यों दे रहे हैं? आप 50 रुपये आपके लिए भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन आप अनुमान कीजिए, हमने कहानी में पहले क्या पढ़ा था कि लाला झाऊलाल की जो मासिक आमदनी है, इनकम है मंथली उनकी, वो 100 रुपए है जो दुकानों का किराया आता है। अब आप हिसाब निकाल लीजिए कि 50 रुपए उस जमाने में कितने अधिक हुआ करते थे। तो अब आप बात को समझ गए हैं, अर्थात अंग्रेज को तभी आश्चर्य हो रहा है कि छोटे से लोटे के, गंदे से लोटे के, बुरी शक्ल वाले लोटे के ये आदमी 50 रुपए क्यों दे रहा है। तब बिलवासी जी बात को संभालते हैं और आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो आपको विग होता है विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान आदमी आपको समझता था, सुशिक्षित अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आपको समझता था, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज उससे पूछते हैं कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं और लोटे पर इतने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या बात है, मुझे बताइए। अब बिलवासी जी बात को घुमाने का प्रयास करते हैं, अंग्रेज को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है मुझे पूरा विश्वास है, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तब बिलवासी जी कहते हैं अंग्रेज को कि जनाब यह लोटा जो आप इसके हाथ में देख रहे हैं यह कोई साधारण लोटा नहीं है, यह तो ऐतिहासिक लोटा है, यह मुझे ऐसा जान पड़ता है, जान नहीं पड़ता मुझे पुक्का विश्वास इसके बारे में, यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में पूरे संसार के जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, इस लोटे को ढूंढने में लगे हुए हैं, अर्थात हर कोई म्यूजियम वाला इस लोटे को प्राप्त करना चाहता है और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं अब तक, अर्थात यह बहुत महंगा बहुत कीमती लोटा है। यह बात अंग्रेज प्रत्युत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, जी जनाब। कौन कहते हैं? बिलवासी मिश्र बात को आगे बढ़ाते हैं, 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया, इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अब आप बात को समझ रहे हैं कि बिलवासी जी अंग्रेज को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक मनगढ़ंत कहानी उनको सुना रहे हैं।
वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू क्या होता है, जैसे हम नमाज अदा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पवित्र काम के लिए उसको प्रयोग वो करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। 57 कौन सा है, 1857 की जो बात है। पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, अर्थात ओरिजिनल नहीं है, इसका प्लास्टर का मॉडल उन्होंने बनाकर रखा हुआ है कि ऐसे ऐसी शक्ल सूरत का एक अकबरी लोटा हुआ करता था। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। बिलवासी जी क्या कहते हैं अंग्रेज के सामने, वो कहते हैं कि अगर किसी म्यूजियम वाले को इस बारे में पता चल गया ना कि इस आदमी के पास अकबरी लोटा है, तो फैंसी दाम अर्थात मुंह मांगी कीमत देकर, जितने ये मांगेगा उतनी कीमत देकर वो इसको खरीद कर ले जा सकते हैं, इसलिए उनसे पहले ही मैं इस लोटे को खरीद लेना चाहता हूँ। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज को अपनी बातों में उलझाने का प्रयास शुरू कर दिया है, हमने अब तक इस कहानी में पढ़ लिया है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गईं। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अर्थात जो अंग्रेज है वो भी लालच में आ जाते हैं, आश्चर्य में आ जाते हैं कि इस साधारण से आदमी के पास ऐतिहासिक लोटा कहाँ से आ गया। फिर उसके मन में जो लालच आ गया था, जो आंखों से साफ दिखाई दे रहा था, पहले तो उसकी आंखें छोटी छोटी थी, कोड़ी के समान थी, लेकिन अब आश्चर्य से उसकी आंखें फैलकर पकोड़े के आकार की बड़ी बड़ी हो गई। और वो बिलवासी जी से आश्चर्य से भरकर पूछते हैं कि आप इस लोटे को खरीद लेंगे, इसके बाद इस लोटे का आप क्या करेंगे? तब बिलवासी जी अंग्रेज से कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। वो बताते हैं कि मुझे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का, उनको अपने पास सहेज कर रखने का शौक है। तो अंग्रेज कहते हैं, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज कहते हैं, अरे भाई, आपके और मेरे जो विचार है वो तो एक ही जैसे हैं, आपके मेरे शौक एक जैसे हैं, आप भी पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं और मैं भी पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखता हूँ। जब यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, इसने मुझे भिगोया था, मेरे पैर पर चोट मारी थी, तब मैं दुकान पर खड़ा हुआ पीतल की मूर्तियां ही खरीद रहा था, वो मूर्तियां जो काफ़ी पुरानी थीं, ताकि मैं उनको अपने पास संग्रह कर सकूं, मुझे इन चीजों का शौक है। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। कौन कहते हैं? बिलवासी जी कहते हैं, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, अर्थात दोनों में कहा सुनी वाली बात शुरू हो जाती है। जरूर हक है, यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? कौन कहते हैं? अंग्रेज, अर्थात वो ये साबित करना चाहते हैं कि बिलवासी जी, आपका इस लोटे के ऊपर हक नहीं है, इसके ऊपर तो मेरा ही हक है। तो वो कहते हैं, अच्छा देखो, ये लोटा जो ऊपर से गिरा था, पानी से भरा हुआ था, इसने अपने पानी से किसको स्नान करवाया? तो बिलवासी जी कहते हैं कि हाँ, आपने, वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? बिलवासी जी कहते हैं, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? अर्थात किसके अंगूठे को चोट पहुंचाई उसने, आपके अंगूठे को, पैर के, या मेरे अंगूठे को? आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो अंग्रेज कहते हैं, सारी स्थिति मेरी तरफ ही प्रकट हो रही है, इसलिए इसको खरीदने का हक मेरा है, आपका कोई हक इसके ऊपर नहीं है। बिलवासी जी ताव में आ जाते हैं, वो भी जोश में आ जाते हैं, और कहते हैं, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, अंग्रेज भी
इसी में सहमत हो जाते हैं और कहते हैं चलिए ठीक है, बोली लगाते हैं इस लोटे की, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो खरीद कर ले जाएगा। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 रुपये देता। तो अंग्रेज कहते हैं आप 50 रुपये में खरीदना चाहते थे, मैं इसकी बोली 100 रुपये लगाता हूँ, 100 रुपये में इसको खरीदना चाहता हूँ, मैं 150 रुपये देता हूँ। बिलवासी जी कहते हैं मैं आपसे 50 और फालतू देना चाहता हूँ, इसको 150 में मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं 200 देता हूँ। अंग्रेज कहते हैं मैं 200 में इसको खरीदना चाहता हूँ। दोनों में ऐसी बहस शुरू हो जाती है, दोनों उस लोटे को खरीदने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपना उसमें जो रुझान है वो दिखा रहे हैं। अजी मैं 250 देता हूँ, यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए, अर्थात जोश में आकर उसने कहा ये लीजिए ये 250, तू 200 लगा रहा है, मैं 250 में इसको खरीदना चाहता हूँ। और बिलवासी जी ने वो 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए जी। साहब को भी ताव आ गया, जोश में आ गए, वो भी गुस्से में आ गए। साहब कौन है? अंग्रेज है। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए, मतलब अब इससे आगे चलिए, अगर आप में हिम्मत है तो इससे ज्यादा बोली आप लगा सकते हैं, मैं इससे ज्यादा भी बोली लगा सकता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं, अर्थात जानबूझ के वो दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे वो बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, अर्थात अफसोस प्रकट हो रहा है, सॉरी फील कर रहे हैं अपने आप में जैसे वो। और उन्होंने जो पैसे लाला जी की तरफ फेंक मारे थे जोश में आकर, वो पैसे उसने अपने उठाने शुरू कर दिए। ऐसा प्रतीत दिखा रहे थे, ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे सारी उम्मीदें उसकी टूट गई हो, जैसे वही इस लोटे को खरीदने की इच्छा रखते हों, लेकिन उसके पास अधिक पैसे नहीं है अंग्रेज के साथ बहस करने के लिए, बोली लगाने के लिए। साहब की ओर देखकर, साहब की तरफ देखकर, अंग्रेज की तरफ देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई, कुंची ब्रश, जैसे ब्रश से किसी ने उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी हो, जैसे कोई चित्रकार अपनी चित्रकारी कर रहा हो, जैसे कोई पेंटर ने कोई पेंट करके उसके चेहरे पर मुस्कान स्थापित कर दी हो, प्रसन्नता स्थापित कर दी हो। जब उसको लगा कि अब इस आदमी के पास 250 से अधिक नहीं है, मैंने 500 की बोली लगाकर इसको खरीद लिया है, तो उसको लगा कि वाह, मैंने इतनी महंगी वस्तु, इतनी ऐतिहासिक वस्तु मैंने खरीद ली है, इस पर मेरा हक है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, उसके चेहरे से साफ स्पष्ट हो रहा था। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा, मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अर्थात अंग्रेज खुश क्यों था? क्योंकि वो डगलस नाम के एक अंग्रेज अपने पड़ोसी को नीचा दिखाना चाहता था, तो वो खुशी के मारे कहते हैं कि अब मैं खुश होकर अपने देश जाऊंगा, और जो मेजर डगलस अपनी ऐतिहासिक चीजों की बड़ाई मेरे सामने किया करते थे कि मेरे पास इतनी पुरानी चीज है, इतनी पुरानी चीज है, सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, मैं उसको नीचा दिखाना चाहता था, आज मुझे वो मौका मिल गया है इस लोटे को ले जाकर अपने साथ। तो बिलवासी जी पूछते हैं मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, अर्थात कंपटीशन है हमारा, हम दोनों पुरानी चीजों का संग्रह करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पुरानी चीजें खरीद कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। गत वर्ष, पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, अर्थात मैं नहीं ले सकता, पर जहांगीरी अंडा है क्या? कौन पूछते हैं? बिलवासी जी उनसे पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा कौन सी चीज है भाई, मुझे भी बताओ। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे, अर्थात उसके पास दो कबूतर थे, एक तो उसने उड़ा दिया,
उसने कहा तूने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया। उसने क्या किया, नूरजहां ने दूसरा कबूतर भी आकाश की तरफ उड़ा दिया और कहा मैंने पहला कबूतर ऐसे उड़ा दिया था। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया, अर्थात जहांगीर नूरजहां से प्रेम करने लग गया उसके भोलेपन को देखकर। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथों कर दिया, अर्थात उसके प्रेम में वो फंस गए। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, अर्थात उस कबूतर के कारण ही उनका आपस में प्रेम हुआ था। इसलिए वह मानते हैं कि अगर यह कबूतर नहीं होता तो मैं नूरजहां का भोलापन नहीं देख पाता और ना ही उससे मैं प्रेम कर पाता। यह कबूतर ही हम दोनों का प्रेम करवाने वाला है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, अर्थात उसका जो अंडा था उसने बड़ी कोशिश के साथ अपने पास रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। तो वो बताते हैं कि जिस अंडे को उन्होंने बड़ी संभाल कर अपने सामने हांडी में रखा था हमेशा के लिए, वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और जब मेजर डगलस पिछले साल दिल्ली आए थे तो पार साल इलाके से दिल्ली में से उन्होंने एक मुसलमान से उस जहांगीरी अंडे को 300 रुपए में खरीदा था। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, अर्थात वो मेरे सामने फालतू नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मेरा जो ये लोटा है, अकबरी लोटा है, यह उससे एक पुश्त पुराना है, एक पीढ़ी पुराना है। तब बिलवासी जी कहते हैं इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, अर्थात यह उसकी पिछली पीढ़ी का है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। इस प्रकार मन ही मन बिलवासी जी हंसते हैं उसके भोलेपन को देखकर, उसकी मूर्खता को देखकर, कि जिस प्रकार मैंने इसको मूर्ख बना दिया है वैसे ही मेजर डगलस को भी उस मुसलमान, दिल्ली वाले मुसलमान ने मूर्ख बनाकर 300 रुपए में अंडा, कोई भी अंडा बेच दिया था। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली, वहां से वो चला गया। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। अर्थात थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहे थे कि अगर मेरे पास भगवान ने आंखों में खाने की भी शक्ति दी होती तो मैं आज इस बिलवासी को खा जाता, जो अंग्रेज के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। लेकिन जब उसने देखा कि वो लोटा जिसको मैं कभी पसंद करता ही नहीं हूँ, जो मुझे एक आंख भाता ही नहीं है, जिसको घर में रखना ही मैं पसंद नहीं करता, जिसको मैं फेंकने तक की इच्छा रखता हूँ, वह लोटा इतनी महंगी कीमत पर, अर्थात 500 रुपये, 500 रुपये का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे इस लोटे ने 5 महीने की उसकी आमदनी करवा दी हो, इतनी महंगी कीमत पर वो बिका है। अब जो 6 दिनों से वो परेशान थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, अब ऐसा प्रतीत होने लगा 500 रुपए पाकर कि जैसे उसके चेहरे पर, उसकी दाढ़ी पर प्रसन्नता की लहर दौड़ आई हो। उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अर्थात अब आपको बात समझ में क्या आई है कि जो बिलवासी जी अंग्रेज के साथ बोली लगा रहे थे उस लोटे की, पहले 50 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 200 रुपए, फिर 250 रुपए में बात बनी, फिर वो 500 तक बात चलेगी, तो वो जो 250 रुपए अंत में इन्होंने मैक्सिमम बोली लगाई थी वो उन्होंने लाला झाऊ लाल के लिए ही रखे हुए थे, उसको देने के लिए वो आए थे। लेकिन उसने देखा कि स्थिति घर पे कुछ और बनी हुई है, तो उसने इस मौके का फायदा उठाया, अपनी बुद्धि से काम लिया और 250 के 500 बना दिए जी। इस भेद को मेरे सिवाय
मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो कहते हैं, कौन? लाला झावलाल, कि आपने तो कहा था कि मेरे पास तो 250 रुपये है नहीं, फिर आप ये घर से कहाँ से लेकर आए? तब वो कहते हैं कि इस बात को या तो मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है कि मैं 250 रुपये आपके लिए इंतजाम करके कहाँ से लेकर आया हूँ। और अगर आप ईश्वर से पूछेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आया हूँ। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। झावलाल जी उनको कहते हैं, 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी तो मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा आपकी शाबाशी देने में, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, संभाल कर उनको रख लीजिए। ये उनको लाला जी को उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। अर्थात पंडित जी को लाला झावलाल कहते हैं कि अगर हम किसी और के पैसे को संभाल कर रखते हैं तो हमें कोई उसमें आनंद आता ही नहीं है, लेकिन अगर पैसे अपने हो और कोई कहे कि आप इनको संभाल कर रखो ये आपके अपने हैं, तो वो इतना अच्छा मनमोहक कार्य, मन को अच्छा लगने वाला काम है कि आदमी उसमें तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है पैसों की गिनती में, उनको संभाल कर रखने में, अर्थात आस पड़ोस में क्या हो रहा है वह सब कुछ भूल जाता है। तो वही हुआ किसके साथ? लाला झावलाल के साथ। लाला झावलाल पैसे गिनने में इतने व्यस्त हो गए कि आसपास को भूल ही बैठे थे वो। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पैसे गिने जैसे उन्होंने उसको गिनने के बाद ऊपर देखा तो क्या देखते हैं? पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अर्थात जैसे ही उन्होंने पैसे गिनना शुरू किया, उसमें ध्यान मग्न हो गए, तब बिलवासी जी वहां से चुपके से खिसक गए, वहां से चले गए जी वो। लेखक आगे बताते हैं कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, जब उनको पैसे देकर वो आए थे जी। वे चादर लपेटे चार पाई पर पड़े रहे, अर्थात दिखाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि वह गहरी नींद में सो रहे हैं, चादर उन्होंने ओढ़ रखी है। 1 बजे वे उठे, रात को 1 बजे अंधेरे में वो उठते हैं, धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। गले में से उन्होंने वो माला निकाल ली जिसमें ताली लगी हुई थी, अर्थात ताले की चाबी उसमें बंधी हुई थी, बिल्कुल आराम से ध्यान से उन्होंने निकाल ली। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह ज्यों का त्यों अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोया था, अगले दिन वो 8 बजे तक सोते रहे क्योंकि रात को देरी से सोए थे। अब आपको कहानी में ये समझ में आ गई बात कि पैसे का इंतजाम कहाँ से हुआ था। बिलवासी जी के पास तो पैसे थे नहीं, पत्नी के पास पैसे थे, मांगते तो शायद पत्नी मना कर देती, मना करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र की इस मुसीबत में मदद करने के लिए उन्होंने चोरी जैसा काम किया, अर्थात पत्नी के गले से चाबी निकालकर उनका संदूक खोला, संदूक से उसने 250 रुपये चोरी किए, निकाले उनके लिए मदद के लिए। और जब पैसों का इंतजाम अंग्रेज के माध्यम से हो चुका था, लाला झावलाल को 250 के बजाय 500 रुपये मिल चुके थे, तो जो पैसे वो पत्नी के संदूक से निकाल कर लेकर गए थे, अब उनको वापिस रखने का समय आ गया था। कभी पत्नी संदूक खोल के देख ले कि पैसे कहाँ गए तो थोड़ा बुरा महसूस होगा उनको, इसलिए उससे पहले ही उन्होंने पैसे पहले की तरह है जो के थे उनके संदूक में रख दिए, और अपनी चालाकी पर वो हंस पड़ते हैं, अंगड़ाई लेकर सो जाते हैं कि देखो मैंने अपने मित्र की मदद भी कर दी और पत्नी को पता ही नहीं चला।
और साथ ही उन्होंने जैसे पहले कहा था कि इस सच्चाई को या तो मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है, अर्थात तीसरा कोई आदमी नहीं जानता था कि बिल्वासी जी ने पैसों का प्रबंध कहाँ से किया था। उसके बाद वो निश्चिंत होकर सो गए, क्योंकि पैसे जहाँ थे वहाँ झोंके तो रख दिए गए थे, साथ ही जो मित्र उनकी मुसीबत में थे उसकी भी मदद हो गई थी। अब उनको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रह गई थी। इसलिए जब हम निश्चिंत हो जाते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, और जब हम चिंता में होते हैं तब हमारी नींद हमारे आसपास भी नहीं होती है, हम जागते रहते हैं, परेशान रहते हैं।